मुख्यमंत्री होने के तौर पर और आम आदमी पार्टी के मुखिया होने के तौर पर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है शराब घोटाले में, और खुद उन्होंने किकबैक्स लिए हैं। कानूनी तौर पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पूरी तरह ली गई थी। दिल्ली की जनता और काफी लोगों की आत्मा को झकझोर के रख रही है। सिर्फ एक व्यक्ति है जिसका जमीर नहीं जाग रहा और उनका नाम है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन प्लैंक पर चुनकर आती थी, लेकिन आज सर से लेकर पांव तक पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपके खुद के लोग निराश हो रहे हैं आपसे, क्यों? क्योंकि आप पेबैक टू सोसाइटी के प्रिंसिपल पर चुने जरूर गए थे, लेकिन आप किकबैक टू सेल्फ वाली पार्टी बन गए हैं। अब तो जागिए अपनी नींद से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, अब तो सत्ता का मोह छोड़िए। आप क्यों सीएम की कुर्सी को ऐसे जकड़ कर बैठे? जेल से सरकार चलाने पर आप क्यों आतुर हैं? मैं आप लोगों को बार 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 तकलीफ दिए है और उसी की कारण शायद आपकी संख्या शाम होते होते हमारे यहां थोड़ी घट भी गई है। दिल्ली में राजनीति बड़ी तेजी से अदल बदल हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सुबह से आरोप प्रत्यारोप की अपनी ओछी राजनीति को चला रहे हैं। शाम होते होते जब उनके एक साथी ने भी उन्हें छोड़ दिया तो उन्होंने बड़ी ओछी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू की। इस सब पर भारतीय जनता पार्टी का क्या मत, क्या वक्तव्य है, उसे हमारी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की मंत्री और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से हमारी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बहन बांसुरी स्वराज जी अपना वक्तव्य रखेंगी। उस पर इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मीडिया रिलेशन विभाग के प्रमुख श्री विक्रम मित्तल जी भी हैं। मैं बांसुरी जी से अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का इस सारे मसले पर जो दृष्टिकोण है उसे रखें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई। आदरणीय प्रवीण शंकर कपूर जी, ऑन है, बड़े भाई विक्रम मित्तल जी और यहां उपस्थित मीडिया के बंधुगण, कल एक बहुत ही अहम फैसला आया है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का। मैं एक पैराग्राफ आप सबके समक्ष पढ़ना चाहती हूं, पैरा 78, पेज 55 ऑफ द जजमेंट, टू समराइज दिस द मटेरियल व्हिच हैज बीन इनकैप्सुलेटेड Here and above reveals that Arvind Kejriwal ji has allegedly conspired with other persons and was involved in the formulation of Delhi Liquor Excise Policy 2021-2022. In the process of demanding kickbacks from the South Group, as well as in generation, use and concealment of proceeds of crime, he is allegedly involved in the offense of money laundering in two capacities. Firstly, in his personal capacity, as he was involved in formulation of excise policy and in demanding kickbacks. Secondly, in his capacity as the national convener of the Aam Aadmi Party, as per Section 70, Subsection 1 of the PMLA, for use of proceeds of crime of rupees 45 crore in the election campaign of Aam Aadmi Party in the Goa election 2022. Which are prima facie apparent from the material relied upon by the respondent in this regard, as well as the statement recorded on 8th of March 2024 of one of the candidates of Aam Aadmi Party in Goa elections 2022, which has been discussed here and above. Delhi High Court ne bahut hi zyada spasht kar diya hai kal. Pehli baat,
उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी व्यक्तिगत तौर पर, उनका खुद एक बहुत अहम रोल था, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के तौर पर और आम आदमी पार्टी के मुखिया होने के तौर पर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है शराब घोटाले में, और खुद उन्होंने किकबैक्स लिए हैं। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी ने जितने भी सबूत और तथ्य दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष रखे गए, उसके बाद ये जाहिर हो गया कि कानूनी तौर पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पूरी तरह लीगल थी। स्वाभाविक सी बात है कि ये कल जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट आ रही है, ये दिल्ली की जनता और काफी लोगों की आत्मा को झकझोर के रख रही है। सिर्फ एक व्यक्ति है जिसका जमीर नहीं जाग रहा और उनका नाम है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। आज माननीय राजकुमार आनंद जी एक ऐसे आम आदमी पार्टी के कॉलीग हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उनके, जब उन्होंने 2010 से उनका साथ निभाया था। राजकुमार आनंद जी आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उन्हीं की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उनके शब्द क्या थे? उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर का आवाहन करा, उनका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब बोलते थे पे बैक टू सोसाइटी, लेकिन ये वो पार्टी नहीं रही। आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन प्लैंक पर चुनकर आती थी, लेकिन आज सर से लेकर पांव तक पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी के लीडर्स से कि ये तो बयान आज आपके ही कॉलीग ने दिया है, आपके खुद के लोग निराश हो रहे हैं आपसे। क्यों? क्योंकि आप पे बैक टू सोसाइटी के प्रिंसिपल पर चुने जरूर गए थे, लेकिन आप किक बैक टू सेल्फ वाली पार्टी बन गए हैं। और अब तो जागिए अपनी नींद से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, अब तो सत्ता का मोह छोड़िए। आप क्यों सीएम की कुर्सी को ऐसे जकड़ कर बैठे हैं? जेल से सरकार चलाने पर आप क्यों आतुर हैं? क्यों आप दिल्ली की जनता का अहित कर रहे हैं? और आपको नहीं लगता, आपकी आत्मा आपको नहीं कचोटती? राजकुमार आनंद जी आपके इतने पुराने कॉलीग हैं, उन्होंने आकर मीडिया के समक्ष बोला कि उनका आपसे, आपकी विचारधारा से, आम आदमी पार्टी पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया है। आप हमेशा आतुर होते हैं जांच एजेंसियों पर किसी भी प्रकार का दोषारोपण करने पर, आप हमेशा आतुर होते हैं भाजपा पर दोषारोपण करने पर। अरे ये जो मैंने पढ़कर सुनाया है, ये भाजपा की आवाज नहीं है, ये भाजपा के स्वर नहीं है, ये दिल्ली हाई कोर्ट के स्वर हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट का मानना है, उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो सारे के सारे सबूत देखकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है। आपकी दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कल ये फैसला दिया है, और इस फैसले के बाद जाहिर सी बात है कि ना केवल दिल्ली की जनता जो आपके भ्रष्टाचार से त्रस्त है, लेकिन आपके साथी भी आज आपसे निराश और हताश हैं, लेकिन आप केवल और केवल सत्ता के मुंह में मदमस्त है। धन्यवाद।